और एक गोरी गिर गया, अरे उसका हाथ पकड़ खींच लो उसको, झाड़ियों में गिर गया वो। खुदाई चालू कर रहा है फिर गोरी, क्योंकि यहाँ पे अब सफाई तो कर दी उसने, झाड़ियाँ काट दी है। हेलो नमस्कार प्रणाम सुप्रभात फ्रॉम उत्तराखंड। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा गांव कितना डेवलप हो चुका है। जी हाँ, उत्तराखंड बने हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन मेरा गांव तो इतना विकास हो चुका मेरे गांव में कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप ही देख लीजिए मेरे गांव में, ये अभी रिसेंटली बना था कुछ दिन पहले, और अब इसकी हालत जर्जर है। ये विकास दिखता है मेरे गांव में। और जगह जैसे हमारे ग्राम सभा में 3-4 गांव हैं, बड़कोट, शिमला, उजड़गांव, बराली और एक प्रेमनगर। प्रेमनगर में एक ही मकान है, लेकिन उजड़गांव और बड़कोट दोनों गांव अच्छे डेवलप हैं। वहां पे जो कंक्रीट की है, जो पगडंडी है या रोड कह लीजिए, ये अच्छी बना रखी इन्होंने, लेकिन मेरे गांव में अभी तक बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है। ये रोड के हालात आप देख सकते हैं, ये जो पगडंडियां हैं और यही रास्ता हमारा नीचे जो स्रोत का पानी है वहाँ जाता है। लोग हमारे गांव के अधिकतर लोग जो पीने का पानी होता है वहीं से लाते हैं, हालांकि यहाँ ये पाइप भी है, नल भी है यहाँ पे, लेकिन यहाँ का पानी कम ही यूज़ करते हैं। लेकिन मेन हमें वहीं जाना पड़ता है पानी लेने, और सामने मेरा मकान है, कुछ मकान इधर है और कुछ मकान ये ऊपर हैं। सामने ये सारी रावत एंड फैमिली यहाँ पे रहती है, और नीचे जो आप देख रहे हैं थपलियाल एंड फैमिली के हैं। हमारा ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है, तो मैं आपको अपने गांव का दिखा रहा था कि हमारे गांव में कितना विकास हुआ है। ग्राम सभा बड़कोट के अंडर 4 गांव आते हैं, और सिर्फ 2 गाँव में काम हुआ, क्योंकि मैं पर्सनली गया हूँ बड़कोट भी और उजड़ गाँव भी। उसका कारण ये भी है कि जो प्रधान है वो उजड़ गांव से भी हुए हैं दो बार, और बड़कोट से भी 2-3 बार हुए हैं। अभी भी जो हमारे प्रधान हैं वो बड़कोट के ही हैं। धीरे यहाँ पे अब की बार जो है यहाँ पे ये बजरी और रोड़ी हैं यहाँ पे, और अब की बार जो है कुछ काम हो रहा है, लेकिन पिछले प्रधानों के कार्यकाल में तो आप देख रहा है कितना विकास हुआ हमारे गाँव का, पूरा डेवलप हो चुका। मैं तो कह रहा हूँ कि शायद गढ़वाल में ऐसा गांव कहीं होगा नहीं जिसका इतना सारा विकास हुआ है। नमस्कार, मैं बाद मौल अभी जरा जानो छो, नाराज नहीं हुआ, ब्याह भी नहीं था घर में, ब्याह में वो मुड़ चल गया था कल बना। एक मकान यहाँ पे नोडियाल लोगों का भी है, और ये रोड मैंने आपको बताया ना कि ये जो पगडंडी है ये सीधा हमारे पानी में जाती है। अब आप इसका विकास देख लो, पता नहीं कितने साल पहले इस पे काम हुआ था कंक्रीट का, लेकिन अब इसकी हालत खराब है। कब चेहरे जानी है राशन लेने को? अच्छा, क्योंकि कई गाँव में काम ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन मेरा गाँव ही पिछड़ा हुआ है हमारी ग्राम सभा में। और ये वही रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, और ये कुछ दिन पहले ही ये दीवार बनी थी, लेकिन अब इस दीवार के हाल आप देख सकते हैं। ये मेरे सामने कब बनी थी? जुलाई में ना? हाँ, ये मेरे सामने बनी थी रोड जून जुलाई में, तब उस दौरान भी मैं गढ़वाल भ्रमण पर था, और इस दीवार के आप हाल देख सकते हैं, ये बिल्कुल टूट गई है। ये जबकि ये जो दीवार है इसका निर्माण जो है मनरेगा के अंडर हुआ है, ये सारी टूट गई है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ है कि जब ये बन रहा था मैंने इनको बोला भी था कि इसमें मसाला जो है अच्छा मसाला डालो, ढंग का मसाला डालो, क्योंकि पैसा तो सरकार दे रही है, किसी की जेब से तो जा नहीं रहा है, सरकार के पैसे जा रहे हैं। जब सरकार पैसा दे रही तो काम तो ढंग से होना चाहिए ना, लेकिन काम ढंग से हुआ नहीं। इस रोड का हाल यही है, जबकि हम रेगुलर पानी लेने नीचे आते हैं, वो पानी का भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ हमारा स्रोत का पानी है। ये हमारा पुराना पानी है, हमारे गांव का स्रोत का पानी। चल गाय माता, चल 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 मिठाई दे। ये हमारा पानी है, पहले यहाँ पे ये स्रोत से आ रहा पानी यहाँ पे, आप कुछ साल पहले इन्होंने यहाँ पे टंकी बना दी, तो वो जो स्रोत का पानी होता है वो उसमें स्टोर होता है। और ये बनाया इन लोगों ने, 2 बाथरूम बनाए नहाने के लिए फीमेल के लिए, लेकिन हालांकि इनका प्रयोग कोई नहीं करता। ये कभी पहले तो खैर बहुत मामला गड़बड़ था इनका, अभी तो खैर चल रहा है, तो इनका उपयोग तो खैर शायद कम ही करते हैं लोग। हाँ, इनका उपयोग आज की डेट में बंदर और लंगूर करते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो लंगूर और बंदर ही
यहाँ पे इनको शेड मिलती है ठंड से बचने के लिए। अभी इन बच्चों के साथ में मैं तेड़ू तोड़ने जा रहा हूँ। एक्चुअली वो कंदमूल फल होता है तेड़ू, और उसको जो है हमें ढूंढना पड़ता है, वो बेल होती है उसकी, फिर उसकी जड़ से उसको खोद के निकालना पड़ता है, और देखते हैं हमें मिलता भी है या नहीं मिलता है। मेरे साथ चिंटू है और गौरी गौरी है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ जंगल की तरफ। ये पगडंडियाँ, पथरीले रास्ते, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसको ढूंढना पड़ता है। अभी हम उसी जंगल की तरफ जा रहे हैं जहाँ वो हमें मिल सकती है। आजकल मौसम यहाँ साफ है, सुबह शाम तो ठंड बहुत है खैर, लेकिन दिन में मौसम ठीक है, मतलब धूप होती है तो सर्दी इतनी नहीं है। अभी हमारी तलाश जारी है, अभी हमें वो तेड़ू की बेल मिली नहीं है, और वो झाड़ियों के अंदर हमें देखनी पड़ेगी, यहाँ ढूंढनी पड़ेगी कि बेल से ही पता चलता है कि तेड़ू है। है से मिल गई पक्का? चलो एक बेल तो हमें मिल गई है, अब इसका हमें देखना पड़ेगा जड़ कहाँ पे है इसकी, क्योंकि वो जो है वो जड़ पे ही होता है। अब गौरी जड़ को ढूंढ रहा है, क्योंकि वो ज़मीन के अंदर होती है, ऊपर उसकी बेल होती है। अच्छा टूटा हुआ है। ओहो चलो, एक गौरी कह रहा है कि नीचे भी है, ये इस तरह है, यहाँ भी कभी तेड़ू हुआ करता था, ये इस तरह खुदाई करनी पड़ती है, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे ये खोदा हुआ है, क्योंकि वो तेड़ू की तलाश में रहा होगा। और ये बेल है तेड़ू की, और इसी तरह ये बेल होती है, इसी से अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे मिलेगा। तो इसकी कभी जड़ यहाँ रही होगी, और यहाँ से कोई ऑलरेडी तेड़ू निकाल के चला गया है। फिलहाल तो हम आए हैं तो ढूंढना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा हमें। अच्छा ये बेल तो हमें मिल गई है तेड़ू की, ये देखो ये है बेल, अब इसकी जड़ है यहाँ पे, हाँ ये है, इसकी बेल ऊपर तक गई हुई है, ये देखो ये इसकी बेल है। बहुत गहरी खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर एक दीवार है और ऊपर खेत है, और ये खेत नीचे है। तो शुरुआत तो करते हैं, क्योंकि अब तो ये खेत सारे बंजर हैं, तो हमें यहाँ पे खुदाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटा गौरी शुरू हो जा। यहाँ का प्रोग्राम फिलहाल हमने ड्रॉप कर लिया, नीचे एक और बेल मिल गई है तेड़ू की, और वहाँ पे ढलान है, तो वहाँ खोदने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे खोदना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खेत है और काफ़ी हार्ड भी होगा, और ऊपर दीवार है, तो डर ये है कि अगर हम खोदेंगे दीवार भी टूट सकती है। तो अभी गौरी बता रहा है कि नीचे एक और बेल मिल गई है, तो वो ढलान पे है, तो उसको खोदना हमारे लिए ईजी है, तो उधर ही चलते हैं। अरे ये पेड़ भी, ये देखो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे, और ये तिमले का पेड़ जो है सारा नीचे गिर गया है, और कुछ टाइम बाद ये शायद सूख भी जाएगा, और धीरे धीरे बरसात में ये पूरा खेत नीचे की तरफ निकल जाएगा, चला जाएगा। ये तो पूरा, ये देखो पूरा खेत टूट गया है यहाँ से, ये बरसात में हुआ है। अब शुरुआत तो कर दी है, गौरी को मिल गई बेल, तो देखिए देखते हैं नीचे से, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। ओह ये तो मोटी बेल है, हैं ये देखो, ये काफ़ी मोटी बेल है, वाइट दिख रहा है आपको। पहले अभी इसको साफ करना पड़ रहा है, क्योंकि बेल कहाँ पे है बेल? अच्छा ये है बेल तेड़ की, ये भी हरी है, ग्रीन है, और यहाँ पे शायद दो तीन है क्या, एक ही है ये बेल तेड़ों की। तो यहाँ पे अब ये हमें खोदना पड़ेगा, और पता नहीं कितना नीचे है, कितना खोदना पड़ेगा उसका अभी आइडिया नहीं है। अब ये श्री गणेश तो कर दिया है गौरी ने, खुदाई चालू कर दी है, अब कितने डीप पे मिलेगा वो अभी देखने वाली बात है, कि कितनी गहरी जड़ है इसकी और कितना डीप तक गया होगा। अब जोगी जी ने कमान संभाल ली है, ये देखो हमें मिल गया है। हाँ ये इसके पीस तो ऐसे होता है, ये वाइट अंदर से चिपचिपा होता है, और यहाँ से लगना शुरू हो गया है, ये खुदाई करते हुए निकल गया है, क्योंकि
कुदाल उस पर लग गया मेरा, और ये एक पीस जो है, ये दो पीस तो हमें मिल गए हैं, पकड़ो पकड़ो। और ये एक पीस ये है, अच्छा टूट गया यार, इसका जड़ ही है ये देख, नीचे जड़ है। अच्छा इसकी जड़ काफ़ी नीचे तक गई हुई है, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद ऊपर ही होगा, लेकिन ऊपर से टूट गया है, तो अभी इसकी जड़ हमें मिलनी शुरू हो गई है। ये काफ़ी नीचे गहराई तक गया हुआ है, अभी प्रयास जारी है गौरी का। ये इसकी जड़ है, यहाँ से टूट गया था, अब ये कहाँ, ये देखो ये है तेड़ो ये वाला, अब ये कितने नीचे तक गया है वो अभी खुदाई करके हमें पता चलेगा, पर अब मिल तो गया ही है, तो अब इसको निकाल भी देंगे। हम सोच रहे थे शायद एक ही जड़ होगी, लेकिन देखो किस्मत अच्छी है हमारी कि ये तो पूरा फैला हुआ है, एक यहाँ पे ये है और ये जहाँ से टूटा था एक ही हिस्सा है, लेकिन ये अंदर की तरफ भी गया हुआ है, बाहर वाला हिस्सा तो टूट गया था, और दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है, तो ये काफ़ी फैल चुका है यहाँ पर, और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, और जगह मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में हमें मिल जाएगा, कम से कम आधा एक किलो तो हो ही जाएगा, ये है ना ज़्यादा बेजाड़ना, तो अभी आधा ही किया था हमने, और हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे मिल भी गया, क्योंकि इसकी जड़ें कई जगह फैली हुई हैं। अभी निकलने शुरू हो गए हैं, ये है तैड़ू, और इसकी सब्जी जो है काफ़ी स्वादिष्ट होती है, और एक तरह से ये कंदमूल फल है, पकड़ो रखो इसको थैले पे, काफ़ी ज़्यादा मिल गया हमें तो यहाँ पे। रखो थैले पे, इतना तो आधा आधा पौना किलो तो निकल चुका है ये, और अभी और हमें दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इतने देखो इतना ज़्यादा गड्ढा खोद दिया है, और ये ऊपर से इसकी जड़ आ रही है, देखो एक पीस और मिल गया, देखो कितना अच्छा पीस मिला हमें, देखो इतना ज़्यादा गड्ढा खोद के इतनी मेहनत की, और ये पत्थर आ गया था बीच में, इस पत्थर को निकालने में काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन तैड़ो भी अब ख़त्म हो गया है, काफ़ी कुछ हम एक बेल से ही निकाल चुके हैं, करीब एक डेढ़ किलो तो हमने निकाल ही दिया होगा यहाँ पे तैड़ो, और इसकी सब्जी बहुत ही सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। चलो एक जगह तो हमने निकाल ही लिया है तैड़ो, अब हम दूसरी जगह जाते हैं, पिजाम से ना वेरी गुड, तो मज़ा आ गया, अरे भाई यहाँ तो बहुत नीचे है, पकड़ के जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि लमड़ने का डर है, अरे बुढ़ापे, हाँ कस बटे पकड़ता था हाथ वो खुद ही रेड जाल बुढ़ापे में। चलो फिलहाल तो मैं वहाँ नीचे जाता हूँ, उसके बाद अगर ठीक ठाक पहुँच गया वहाँ तक नीचे तक, तो फिर कैमरा चालू करता हूँ। अरे गौरी गिर गया, अरे उसका हाथ पकड़ खींच लो उसको, झाड़ियों में गिर गया वो, और अब खींच उसको खींच उसको। अच्छा वहाँ पर झाड़ियाँ थी भाई, झाड़ियों में अटक गया, झाड़ियों में अटक गया, बच गया बच गया गौरी बच गया। ये तैड़ू बड़े महंगे पड़ने वाले थे रे हमें, पर अच्छा वहाँ पर झाड़ियाँ हैं, तू झाड़ियों में अटक गया। तैड़ू को ढूंढना भी इतना आसान नहीं है, अभी देखो हम ऊपर से आए हूँ मैं, फिसलने का डर है, मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, और आपने देखा गौरी भी वहाँ झाड़ियों में फिसल गया था, चिंटू ने खींचा उसको वहाँ से, और यहाँ पे भी बेल है। चलो पहले झाड़ियाँ काट के लिए अपने जगह बना रहे ताकि खुदाई करने में आसानी हो। ये इसकी जड़ कहाँ है? वहीं पे, वहीं पे, और दूसरी कहाँ पे है? और फिर दूसरा ये है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे एक इधर है, काफ़ी सारे यहाँ पे, हमें तो पहले यही आना चाहिए था, वहाँ पे काफ़ी गड्ढा खोदा हमने, काफ़ी मेहनत की, यहाँ पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन हाँ यहाँ पे जड़ें हैं पेड़ों की, और खुदाई चालू कर रहा है फिर गौरी, क्योंकि यहाँ पे अब सफाई तो कर दी उसने, झाड़ियाँ काट दी हैं, और अब यहाँ पे तैड़ों की ढूंढ में फिर से एक बार खुदाई चालू। काफ़ी गड्ढा हम खोद चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें उसकी जड़ नहीं मिली है।
और गौरी की और चिंटू की मेहनत रंग लाई, और यहाँ पे ये इसकी जड़ है और तैड़ू जो है यहाँ से लगना शुरू हो गया है। ये इसका जो है यहाँ से स्टार्टिंग है, हालांकि स्टार्टिंग तो जड़ यहाँ से है इसकी, लेकिन धीरे धीरे और तैड़ू जहाँ पे जिसके में तलाश थी वो यहाँ मिलना शुरू हो गया है। गौरी की मेहनत सफल हो रही है, ये दूसरा पीस भी निकल गया है और अभी गौरी मेहनत ही कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा गड्ढा खोद चुका है बेचारा, मेहनत बहुत कर रहा है। दो दो हैं क्या, एक पीस और निकल गया। फिलहाल तो गौरी को मेरा ये कहना है कि इसको आज छोड़ दे, क्योंकि भूख भी लग रही है, घर भी जाना है और इस पर अभी कम से कम एक घंटा और लगेगा, अभी काफ़ी गड्ढा खोदना पड़ेगा। अभी यहाँ पे काफ़ी मेहनत है तो फिलहाल तो हमने छोड़ दिया है, क्योंकि इस पर कम से कम एक दो घंटा और लग जाएगा गड्ढा खोदने में। है तो यहाँ पे क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है तैड़ू की, लेकिन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा तो निकाल ही है, कम से कम 2 किलो तो निकल ही गया है। बाकी कल गौरी आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं तो कल हूँ नहीं, तो गौरी आएगा, गौरी फिर 2-4 किलो और लेके जाएगा यहाँ से। तो अभी के लिए इतना ही, और इस ब्लॉग की मैं यहीं पर समाप्ति करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और ये दोनों बच्चे मेरे साथ आज आए हैं और इनको मेरी तरफ से कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।